नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है और यह दशहरा आपकी नवदशमी यानी कि नवरात्रि की नौवीं के बाद रावण को जलाया जाता है। और रावण जलाने का सबसे महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर इस दिन हत्या की थी। इसी वजह से इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से पुकारा भी जाता है और मनाया भी जाता है। यह उत्सव सभी जगह पर मनाया जाता है और इस अवसर पर रावण और उसके दोनों भाई कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुत्रों को लेकर चलाया जाता है। लेकिन इसे मनाने का तरीका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने धर्म की स्थापना की थी, क्योंकि जो रावण अधर्मी था जिसने राधा का अपहरण किया और रावण को भी धमकी दी थी और उसके बाद सारी दुर्घटनाएं हुई। सभी जानते हैं रामचरितमानस में भगवान राम के बचपन से लेकर और रावण के वध तक का पूरा परीक्षण दिया हुआ है। रामचरितमानस में बताया गया है रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी और बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी, इसलिए इस दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। लेकिन कई जगह पर इसे दुर्गाष्टमी के रूप में मनाते हैं क्योंकि दुर्गा माँ ने महिषासुर नामक राक्षस की वध किया था, जिसलिए यहाँ पर दशहरा दुर्गा अष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। इस त्योहार को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत चारों भाइयों की तस्वीर बनाते हैं। एक गोबर का पिंड लेते हैं जिसमें हम बर्तन की तरह से आकृति बनाते हैं और बर्तन की आकृति बनाने के बाद उसमें अनाज और चांदी की कुछ वस्तुएं डालकर उसे किसी कपड़े से ढक देते हैं। ऐसा करने से कहते हैं कि साल भर आपके जीवन में खुशियाँ रहती हैं और आपके घर में भी सुख रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख रहे और आपके घर में भी हमेशा शांति रहे तो आप दशहरे के दिन ऐसे काम जरूर करें और आप गोबर लाकर अपने घर पे ही पिंड बना सकते हैं, यानी कि गोल तरह की आकृति बनाइए और उसमें आप पानी की कुछ छींटे डालें और उसमें आप चांदी के या फिर धान भर के रख दें। ऐसा करने से आपके घर में खुशी आएगी और इसी प्रकार से अगर आप दशहरा बनाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई नए अवसर आते ही रहेंगे और समस्याओं का समाधान भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो ये है दशहरे बनाने की विधि। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत देती हूँ।